नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की ओर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 11 जिला अस्पतालों में मुफ्त होगी 134 तरह की मेडिकल जाँच। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला। बिहार में पुराने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन निकालने के लिए अपनाए ये तरीका। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम हुए संशोधित। अब अपने ट्रेन का टिकट इन लोगों को कर सकते हैं ट्रांसफर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है छठ महापर्व का पहला अर्घ्य, जानी अस्ताचलगामी और उदित सूर्य का समय। आज महापर्व छठ का तीसरा दिन है। ऐसे में आज के दिन छठ व्रतियों के द्वारा डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि सूरज के उगने की टाइमिंग और डूबने की टाइमिंग क्या होगी, जिससे कि अर्घ दिया जा सके। बता दें कि बिहार में मौसम विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 19 नवंबर को सूर्य के डूबने का समय 5 बजे निर्धारित है। बता दें कि अगर हम राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो गया में सूर्य का अस्त 5:02 पर होगा, तो वहीं भागलपुर में 4:53 पर, पूर्णिया में 4:50 पर, जहानाबाद में 5:01 पर, मुजफ्फरपुर में 4:58 पर, सारण में 5:01 पर, दरभंगा में 4:55 पर, सुपौल में 4:53 पर, अरवल में 5:02 पर, रोहतास में 5:05 पर, मधुबनी में 4:55 पर, पूर्वी चंपारण में 5:59 पर, शेखपुरा में 4:58 पर, गोपालगंज में 5:01 पर, पश्चिमी चंपारण में 5 बजे, जमुई में 4:57 पर, बक्सर में 5:05 पर, शिवहर में 4:58 पर, भोजपुर में 5:02 पर, वैशाली में 4:59 पर, सीतामढ़ी में 4:57 पर, औरंगाबाद में 5:05 पर, बेगूसराय में 4:56 पर, नवादा में 4:59 पर, सिवान में 5:02 पर और भभुआ में 5:07 पर सूर्य डूबने का समय है। वहीं अगर सूर्य की उगने की बात करें तो राजधानी पटना में 6:10 पर, गया में 6:09 पर, भागलपुर में 6:02 पर, पूर्णिया में 6:01 पर, जहानाबाद में 6:10 पर, मुजफ्फरपुर में 6:10 पर, सारण में 6:12 पर, दरभंगा में 6:08 पर, सुपौल में 6:05 पर, अरवल में 6:11 पर, रोहतास में 6:14 पर, मधुबनी में 6:08 पर, पूर्वी चंपारण में 6:13 पर, शेखपुरा में 6:13 पर, गोपालगंज में 6:14 पर, पश्चिमी चंपारण में 6:15 पर, जमुई में 6:05 पर, बक्सर में 6:15 पर, शिवहर में 6:11 पर, भोजपुर में 6:12 पर, वैशाली में 6:09 पर, सीतामढ़ी में 6:10 पर, औरंगाबाद में 6:12 पर, बेगूसराय में 6:06 पर, नवादा में 6:07 पर, नालंदा में 6:08 पर, सिवान में 6:14 पर और भभुआ में 6:15 पर सूर्योदय होगा। आईटीबीपी में कांस्टेबल के 248 पदों पर निकली भर्ती। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के 248 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह आईटीबीपी की आधिकारिक वेबसाइट recruitment.itbpolice.nic.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को जो भी स्पोर्ट्स योग्यता के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख लें। बिहार के 11 जिला अस्पतालों में मुफ्त होगी 134 तरह की मेडिकल जांच। बिहार के आम मरीजों को प्राइवेट पैथ लैब की महंगी जांच से मुक्ति मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मार्च तक राज्य के 11 जिलों के सदर अस्पताल में समेकित लोक स्वास्थ्य लेबोरेटरी का काम करवाना शुरू कर दिया जाएगा, जहां 134 तरह की मेडिकल जांच मुफ्त में होगी। बता दें कि अभी जिला अस्पतालों में औसतन 45 से 55 तरह की जांच मुफ्त में हो रही है। वहीं जिन 11 जिलों के सदर अस्पताल में यह लाभ स्थापित किया जाएगा उसमें औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सहरसा, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अरवल जिला शामिल है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि 11 जिलों के सदर अस्पतालों में बायो सेफ्टी लेवल 2 ग्रेड की लैब चालू करने की तैयारी चल रही है।
केंद्र सरकार की ओर से पहले ही 15वें वित्त आयोग और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2021-22 में ही इस तरह के 12 लैब बिहार में लगाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन बिहार सरकार की ओर से इसके लिए जगह खोजने में थोड़ा समय ले लिया गया, जिस वजह से लैब चालू होने में देरी हो रही। वहीं विभाग के अधिकारी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि धीरे धीरे यह लैब सभी 26 जिलों के सदर अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल, 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 20,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र पर भी लगाए जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा के बारे में। भारतीय लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के मिथिला क्षेत्र के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। शारदा सिन्हा 80 के दशक में मैथिली, मगही और भोजपुरी में परंपरागत गानों के लिए काफी मशहूर हो गई थी। लोकगीत के अलावा उनका श्रद्धांजलि नामक एक एल्बम काफी लोकप्रिय हुआ था। इसमें उन्होंने मैथिली कवि विद्यापति के गानों को आवाज दिया था। उन्होंने मैथिली, भोजपुरी, हिंदी इत्यादि भाषाओं में गायन किया है। शारदा सिन्हा को बिहार की लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पहली बार बॉलीवुड फिल्म मैंने प्यार किया में एक गायिका के रूप में कार्य किया। शारदा सिन्हा ने सुगम संगीत की हर विधा में गायन किया है, जिसमें गीत, भजन, गजल इत्यादि शामिल है। वर्ष 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव में शारदा सिन्हा चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। वर्ष 1988 में उन्होंने मॉरिशस के 20वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने गायन की प्रस्तुति दी थी। आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला। आज यानी कि 19 नवंबर को विश्व कप 2023 का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। बता दें कि भारतीय टीम के द्वारा अब तक इस टूर्नामेंट में अपने सभी मुकाबले जीते गए हैं। बता दें कि आज होने वाला यह फाइनल मुकाबला दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मालूम हो कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम चौथी बार वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 1983 और 2011 में टीम इंडिया ने खिताब जीता था, जबकि 2003 के फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से हार मिली थी। ऐसे में 20 साल पुरानी हार का बदला लेने के इरादे से रोहित की सेना मैदान में आज उतरेगी। इस मैच का लाइव प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं। वहीं इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर मोबाइल में फ्री में देख सकते हैं। बिहार में पुराने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन निकालने के लिए अपनाएं ये तरीका। अगर आप अपने पुराने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन तरीके से निकलवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको भूमि जानकारी बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट bhoomijankari.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां आपको होम पेज पर मौजूद व्यू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फॉर्म में आपको सबसे ऊपर 3 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2016 टू टिल डेट, पोस्ट कंप्यूटराइजेशन 2006 टू 2016, प्री कंप्यूटराइजेशन बिफोर 2006। आपको जिस वर्ष के दस्तावेज निकालना चाहते हैं, आप उसके अनुसार ऑप्शन चुनें। इसके बाद आपको बाकी जानकारी ड्रॉप बॉक्स से सेलेक्ट करें और अन्य पूछी गई जानकारी भरें। सारी जानकारी भरने के बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आपकी जमीन संबंधित जानकारी विवरण आ जाएगी। अब आप इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। 24 नवंबर को बिहार के इस जिले में जॉब कैंप का होगा आयोजन। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं, तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि 24 नवंबर को बेतिया में जिला निबंधन और परामर्श केंद्र के प्रांगण में श्रम संसाधन विभाग के जिला नियोजनालय के तत्वाधान में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि रोजगार मेला सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। ऐसे में वो लोग जो इस रोजगार मेला में शामिल होना चाहते हैं, उनका NCS के पोर्टल पर निबंधन होना अनिवार्य है। निबंधन कराने की सुविधा अभ्यर्थियों को नियोजन स्थल पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। मालूम हो कि चयनित अभ्यर्थियों का कार्य क्षेत्र नोएडा होगा। इस रोजगार मेला के माध्यम से आमधनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ट्रेनी और मोल्डिंग के 50 पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेगी। बता दें कि इस बात की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी अंकित राज के द्वारा दी गई है। वह इस रोजगार मेला से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजनालय के दूरभाष संख्या 0625429537 पर कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का करेगी परिचालन। यात्रियों के अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा 9 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है, जिसमें गाड़ी संख्या 05522 दरभंगा अहमदाबाद स्पेशल, गाड़ी संख्या 05575 सहरसा अम्बाला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 05571 जयनगर आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, गाड़ी संख्या 03045
हावड़ा रक्सौल स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03046 छः, रक्सौल हावड़ा स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03133, कोलकाता पटना स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 03134, पटना कोलकाता स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02261, दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन और गाड़ी संख्या 02263 सहरसा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया है। 8 से 18 जनवरी तक अग्निवीर परीक्षा 12 जिलों के अभ्यर्थी होंगे शामिल। गढ़वाल मैदान सिरसा कैंप कटिहार में 8 से 18 जनवरी 2024 तक अग्निवीर सेना भर्ती परीक्षा आयोजित की जाने वाली है। एसएमएस परीक्षा को लेकर डीएम रवि प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी तैयारियों व अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने व विधि व्यवस्था को लेकर बातचीत की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 8 से 18 जनवरी तक होने वाले इस भर्ती रैली में राज्य के 12 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिनमें कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल जिला शामिल है। वहीं इसके अलावा इस भर्ती रैली में झारखंड राज्य के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। ऐसे में इस भर्ती रैली में लगभग 7 से 8 हजार अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे देव सूर्य मंदिर के बारे में। देव सूर्य मंदिर देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध है। यह बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक मंदिर है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्प कला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर का निर्माण का काल 6वीं-8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं, जबकि अलग अलग पौराणिक विवरणों पर आधारित मान्यताएं और जनश्रुतियां इसे त्रेतायुगीन अथवा द्वापर युग के मध्यकाल में निर्मित बताती है। मंदिर में सामान्य रूप से वर्ष भर श्रद्धालु पूजा करने आते रहते हैं। हालांकि यहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर मनाए जाने वाले छठ पर्व के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती है। यहां लगभग प्रत्येक दिन श्रद्धालु के भीड़ का जमावड़ा लगा होता है, पर खासकर रविवार को यहां दूर दूर से हवन और पूजन करने हेतु श्रद्धालु आते रहते हैं। मान्यता है कि आज तक इस मंदिर से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा और अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के पश्चात वो यहां की कार्तिक या चैत्र के छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ भी समर्पण करते हैं। गरीब परिवारों को बिहार सरकार रोजगार के लिए देगी 2 लाख रुपए। बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को बिहार सरकार की ओर से रोजगार करने के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाने की योजना लागू की गई है। बता दें कि इस योजना का लाभ राज्य के इन गरीब परिवारों को अगले 5 साल में सरकार की ओर से देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में बहुत जल्द ही इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार सरकार की ओर से उन लोगों को गरीब परिवार माना गया है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम होती है। मालूम हो कि इस योजना के तहत लाभुकों का चयन बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा कंप्यूटर लॉटरी के जरिए किया जाएगा। विभाग की ओर से इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया गया है। फिलहाल विभाग की ओर से आवेदन, चयन और आवंटन आदि के संबंध में मार्गदर्शिका तैयार किया जा रहा। अब अपने ट्रेन का टिकट इन लोगों को करें ट्रांसफर। रेलवे के नियम के अनुसार आप अपना टिकट अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि टिकट कटवाने के बाद हमारा प्लान अचानक से कैंसिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी टिकट कैंसिल करने के बजाय अपने किसी परिवार के सदस्य को दे देते हैं ताकि वो आपकी जगह पर घूमने जा सके। ऐसे में अब रेलवे के नए नियम के अनुसार अब आप अपना टिकट अपने परिवार के सदस्य जिनमें माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी पति को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टिकट का प्रिंटआउट लेना है और अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाना है। इस दौरान अपने साथ उस व्यक्ति का आईडी प्रूफ लेकर जाए जिसके नाम पर जाना है। आप अपना टिकट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जिसे लगते हुए आपको ट्रांसफर टिकट का एप्लीकेशन देना होगा। बता दें कि टिकट किसी और के नाम ट्रांसफर कराने के लिए 24 घंटे पहले अप्लाई करना होता है। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम हुए संशोधित। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य में शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली जाने वाली वस्तुनिष्ठ परीक्षा की संरचना और पाठ्यक्रम में संशोधित कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब स्कूलों में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.5 घंटे में होगी और 150 अंकों की होगी। वहीं इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल 2 भाग में होंगे, जिसमें से पहला भाग 30 अंकों के सवाल के साथ भाषा का होगा तो वहीं दूसरा भाग 120 अंकों के सवाल के
के साथ सामान्य अध्ययन का होगा। बता दें कि पहला भाग यानी कि भाषा में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा अभ्यर्थियों के लिए, तो वहीं दूसरा भाग यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुसार अंक लाना होगा। मालूम हो कि इसके पाठ्यक्रम भी शिक्षा विभाग के लिए शिक्षक भर्ती के तरह ही होंगे। लोक गायिका देवी ने विदेश से किया छठी मैया को याद। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। ऐसे में छठ पर्व पर छठ गीतों का अपना एक अलग महत्व होता है। इसी कड़ी में हर साल की तरह इस साल भी भोजपुरी लोक गायिका देवी का छठ पूजा पर गाया हुआ एक नया गीत उदित आदित्य देव लॉन्च हुआ है। वहीं इस गाने के साथ देवी के द्वारा बचपन से जुड़ी बातों को भी शेयर किया गया है। उन्होंने बताया कि बचपन से उन्हें छठ को लेकर काफी एक्साइटमेंट रहता था। छठ के वक्त मिट्टी के खिलौने, गुल्लक और भी बहुत सारी चीजें खरीद कर लाते थे, तो एक अलग सा कनेक्शन महसूस होता था। उन्होंने कहा कि आज मैं बेलारूस में हूँ, लेकिन जो छठ की यादें हैं और गीत संगीत है वो दिल में रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। मुझे लगता है कि छठ का त्यौहार भारत की विशेष संस्कृति है, उसका भी एक टोटक है। उन्होंने कहा कि छठ का त्यौहार कहीं न कहीं एकता का भी त्यौहार है। इसे करने के लिए लोग बाहर से भी घर पहुंचते हैं। आधार कार्ड से जुड़े काम में आ रही दिक्कत तो यहां करें संपर्क। अगर आप आधार कार्ड से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं और आपको उस काम में कोई दिक्कत आ रही, तो आप इस समस्या के समाधान के लिए सीधे आधार कार्ड जारी करने वाले विभाग से संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि आधार कार्ड को UIDAI के द्वारा संचालित किया जाता है। मालूम हो कि आधार कार्ड से जुड़े तमाम तरह की शिकायतों को सुनते हुए UIDAI की ओर से लोगों से आग्रह किया गया है कि वे अपनी परेशानी और शिकायत मेल help@UIDAI.gov.in के जरिए भी विभाग तक पहुंचा सकते हैं, या फिर आप शिकायत टोल फ्री नंबर 1947 पर भी कॉल कर दर्ज करा सकते हैं। ऐसे में अगर आपको भी कभी आधार कार्ड अपडेट कराने के दौरान या किसी भी तरह आधार कार्ड से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आप इस टोल फ्री नंबर और मेल पर अपनी शिकायत दर्ज कर समाधान पा सकते हैं। बिहार के मौसम में हो रहा बदलाव। इन दिनों बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही, इसी के साथ अभी कुहासा से भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध छाया रहेगा। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष कुमार के अनुसार सुबह के समय राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के स्तर का धुंध छाए रहने की संभावना है। साथ ही अगले दो दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के मुताबिक आज राज्य का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, तो वहीं राज्य का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। धूप निकलने के साथ ही मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेज प्रबंधन के अनुमोदन पर लगी रोक। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के द्वारा सभी संबद्ध कॉलेजों को यह निर्देश भी दिया गया है कि वे समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें। ऐसा नहीं करने वाले कॉलेजों के अनुदान की राशि को रोक दिया जाएगा और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर यह निर्णय अनुदान राशि में अनियमितता बरतने की शिकायत मिलने के बाद ली गई है। वर्तमान में राज्य के 227 संबद्ध कॉलेजों को छात्रों के परीक्षाफल के आधार पर अनुदान दिया जाता है, जिनमें से 134 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर रोक लगा दी गई है। दुर्गावती जलाशय में ले बोटिंग का मजा। बिहार का कैमूर जिला पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ है, जिसे लोग देखने के लिए काफी दूर दूर से आते हैं। खासकर कैमूर का दुर्गावती जल बेहद रमणीक स्थल है। मालूम हो कि इस स्थान को पिकनिक मनाने वाले और बोटिंग करने वाले लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुर्गावती जलाशय की नींव वर्ष 1976 में रखी गई थी, जिसके बाद वर्ष 2014 में इसका उद्घाटन किया गया। वहीं 11 नवंबर से वन विभाग की तरफ से यहां बोटिंग की व्यवस्था की गई। मालूम हो कि यह पर्यटक यहां आकर ₹50 देकर 15 मिनट तक दुर्गावती जलाशय में बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल 3 बोट उपलब्ध कराई गई है और आने वाले समय में बोटों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा वन विभाग की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी करी गई है। जो भी पर्यटक बोटिंग करने आते हैं, उनको लाइफ जैकेट पहनाकर ही वोटिंग कराई जाती है। सरकारी डेंटल कॉलेजों के लिए नामांकन व अन्य शुल्क तय। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य के सरकारी डेंटल कॉलेजों में नामांकन शुल्क व अन्य शुल्क तय कर लिए गए हैं। मालूम हो कि बिहार में 2 सरकारी डेंटल कॉलेज है, जिसमें से पहला कॉलेज पटना डेंटल कॉलेज है, जिसका फीस पहले ही तय किया जा चुका है। ऐसे में राज्य में मौजूद दूसरे डेंटल कॉलेज रोही डेंटल कॉलेज के लिए नए सिरे से शुल्क तय किया गया है। बता दें कि इस बारे में विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार के द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि निर्धारित किए गए शुल्क के अनुसार एडमिशन फी के तौर पर ₹1,000 लिए जाएंगे, तो वहीं ट्यूशन
ट्यूशन फी के तौर पर 9,000 प्रतिवर्ष, हॉस्टल फी 12,000 वार्षिक, कॉशन मनी के तौर पर 10,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के तौर पर 1200 वार्षिक, मैगजीन सोसाइटी के तौर पर 500 रुपए वार्षिक, कॉलेज इक्विटी के तौर पर 2,000 एक बार, स्टूडेंट वेलफेयर के तौर पर एक बार में 5,000 रुपए और स्टूडेंट यूनियन फंड के रूप में एक बार में 900 रुपए लिए जाएंगे। राजधानी की दो दिन बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। आज यानी कि 19 नवंबर से दोपहर 12 बजे से संध्या 7 बजे तक और 20 नवंबर यानी कि कल सुबह 2 बजे से 8 बजे तक बिहार की राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी, जिसके तहत कारगिल चौक से पूरब अशोक राजपथ होते हुए दीदारगंज तक किसी भी प्रकार का वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इसके साथ ही सभी एंट्री प्वाइंट भी बंद होंगे। वहीं दिघा मोड़ से आशियाना मोड़ तक में भी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। गायघाट पुल के नीचे टेम्पो व अन्य व्यावसायिक वाहनों के आने पर रोक रहेगी। बाईपास थाना मोड़ से चौक शिकारपुर आरोपी होकर छठ व्रतियों के वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। जेपी सेतु पर पटना से सोनपुर या छपरा की ओर जाने वाले वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। अटल पथ से जेपी सेतु व सोनपुर की ओर सामान्य वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही दीदारगंज से अशोक राजपथ में सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों पर के प्रवेश पर बंद रहेंगे। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को दिया 10 दिनों का अल्टीमेटम। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की योग्यता पर सवाल उठाया है। उन पर तंज कसते हुए कहा कि 5 से 7 दिन क्लास करके टीचर से विशेषज्ञों से बात कर ले, उसके बाद कैमरे पर आकर ये बिना कागज देखे ये बता दे कि जीडीपी होता है क्या और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो हम कल से उनको नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। मैं 10 दिनों का अवसर दे रहा हूं, जिसको बुलाकर समझना है समझ लीजिए, पढ़ लीजिए कि जीडीपी होता क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। अगर ये वो कैमरे पर बता दे तो हम कल से उनका झंडा लेने को तैयार है। उन्होंने कहा कि वही आदमी इस राज्य का नीति नियंता है तो इस राज्य की दूरदर्शा क्या होगी, इसके लिए बहुत ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं कि जीडीपी होता क्या है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। 9वें एशियाई खेल 1982 में दिल्ली में शुरू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। भारत की ऐश्वर्या राय 1994 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। कर्णा मलेश्वरी ने 1995 में भारोत्तोलन में विश्व कीर्तिमान बनाया। भारत ने 2006 में परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम सप्लाई के लिए ऑस्ट्रेलिया का समर्थन मांगा। कल्पना चावला 1997 में अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मोहम्मद अलबरदई को वर्ष 2008 के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने की घोषणा की गई। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में हुआ। एक प्रसिद्ध धार्मिक व सामाजिक सुधारक जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक केशव चंद्र सेन का जन्म 1838 में हुआ। जाने माने एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद रामकृष्ण देवदत्त भंडारकर का जन्म 1875 में हुआ। भारत की चौथी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का जन्म 1918 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार सलील चौधरी का जन्म 1923 में हुआ। हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विवेकी राय का जन्म 1924 में हुआ। विश्व प्रसिद्ध पहलवान और हिंदी फिल्मों के अभिनेता दारा सिंह का जन्म 1928 में हुआ। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री जिनत अमान का जन्म 1951 में हुआ। भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स और प्रसिद्ध अभिनेत्री का सुष्मिता सेन का जन्म 1975 में हुआ। प्रसिद्ध उपन्यासकार वाचस्पति पाठक का निधन 1980 में हुआ। समाज सुधारक एवं सर्वोदय आश्रम टंडियावा के संस्थापक रमेश भाई का निधन 2008 में हुआ। वायरल क्रम में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने रक्त की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पैन इंडिया हेल्पलाइन नंबर 104 ब्लड ऑन कॉल लॉन्च किया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है, भारत सरकार ने ऐसी कोई सेवा शुरू नहीं की है। कुछ राज्यों में इस नंबर का प्रयोग विभिन्न हेल्पलाइन सेवा के लिए किया जाता है। स्नैपचैट यूजर्स को मिलेगी ये सुविधा। स्नैपचैट यूजर्स अब ऐप से सामान भी मंगवा पाएंगे। दरअसल अमेजन ने स्नैपचैट के साथ पार्टनरशिप की है ताकि कंपनीज इस सोशल मीडिया ऐप के जरिए अपने शॉपिंग बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। अमेजन ने ऐसी ही पार्टनरशिप मेटा के साथ भी की है। इस पार्टनरशिप के तहत लोग ऐप पर दिखने वाले एड को खरीद पाएंगे और बिना ऐप से बाहर जाए उसकी पेमेंट और शिपमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। फिलहाल इस सर्विस को कंपनी यूएस में यूजर्स के लिए शुरू करने वाली है। धीरे धीरे इसे अन्य देशों में भी लॉन्च किया जा सकता है। ध्यान दें कि स्नैपचैट पर केवल कुछ ही आइटम्स के एड दिखाए जाएंगे और यूजर्स इन्हीं को ही यहां से खरीद पाएंगे। खरीदारी करने से पहले यूजर्स को अपना स्नैपचैट अकाउंट अमेजन के साथ लिंक करना होगा। लिंक होने के बाद ही आप बिना चेकआउट किए ऐप से सामान खरीद पाएंगे।
उत्तरकाशी टनल में 40 नहीं 41 मजदूर फंसे, पीएमओ से पहुंची टीम। सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके अंतर्गत इस टनल में 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। बता दें कि इस बात की जानकारी 7 दिनों के बाद सामने आई है। वहीं टनल में फंसे 41वें व्यक्ति का नाम दीपक कुमार है, जो बिहार के मुजफ्फरपुर के गिजासा टोला का रहने वाला है। बता दें कि इन मजदूरों को बचाने के लिए बीते 7 दिनों से लगातार राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। वहीं इस मजदूरों को रेस्क्यू कराने के लिए पीएमओ से भी अफसर पहुंचे हैं और रेस्क्यू कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा भी देहरादून में अफसरों के साथ बैठक कर रेस्क्यू ऑपरेशन कार्यों की समीक्षा की गई है। खबर लिखे जाने तक 22 मीटर ड्रिलिंग का काम किया जा चुका है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन यूएसआईएस पीएफ बोर्ड के सलाहकार के रूप में शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी विजय कुमार, ऑप्शन सी अजय कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अजय कुमार। अगला सवाल, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ऑप्शन ए डायना एडुलजी, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी एलिश पैडी, ऑप्शन डी तस्नीम मीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डायना एडुलजी। अगला सवाल, हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नया विदेश मंत्री, ऑप्शन सी ब्रिटेन के प्रिंस, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नया विदेश मंत्री। अगला सवाल, बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना 2022 के लिए लगभग कितना राशि खर्च करने वाली है? ऑप्शन ए 100 करोड़, ऑप्शन बी 200 करोड़, ऑप्शन सी 300 करोड़, ऑप्शन डी 500 करोड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 500 करोड़। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित पुस्तक जयप्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विनोद सहाय, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय, ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी अमित कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम वृक्ष बेनीपुरी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गुणर शर्मा, रोशन, चंद्रदीप, धीरज कुमार दास, कस्तूरी शर्मा, मोनू विवेक, राजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद फहीम, रविशंकर, अतीक खान, इंद्रजीत राय, मोहम्मद फुरकान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से किस टीम के जीतने की प्रबल संभावना है और किस खिलाड़ी के सबसे अच्छा खेलने की उम्मीद है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।